हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सपना दुबे आज आपको आलू गोभी की सूखी सब्जी कैसे बनाते हैं ये बताऊंगी। एकदम सिंपल तरीके से बनाऊंगी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सब्जी बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने गैस पर कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो जाए। हमारा गर्म हो गया, मैं डाल रही हूँ इसमें राई और जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चला लूंगी। अब इसी पेस्ट में मैं डालूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, इसे भी अच्छे से भून लूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप फूल गोभी। इसे अच्छे से भूनना है, फ्राई करना है। जितना अच्छा फ्राई करेंगे उतनी अच्छी सब्जी बनेगी। और फिर मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है गोभी को, अच्छे से भून लेना है। इसे फ्राई करते हुए भूनना है। देखिए गोभी को मैंने हल्का फ्राई कर लिया है। इसी तेल पे मैं डालूंगी 3 मीडियम साइज के आलू क्यूब में कटे हुए। इसको भी अच्छे से मिक्स करके भून लूंगी। सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप मेरे तरीके से बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी आलू गोभी की सब्जी। इसे आप किचन में बनाकर, ये सूखी सब्जी आप किचन में भी बना सकते हैं। इस तरीके से बनाएंगे तो उसके 2 रोटी के जगह 4 रोटी खाएंगे। गैस को मीडियम करना है। ढककर 5 मिनट के लिए इसको पका लेना है। 5 मिनट हो गया है, घाटा के चेक कर लेते हैं। ओके, हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल चावल के साथ भी हम इस सब्जी को बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है सूखी सब्जी। अब मैं डालूंगी इसमें मसाले। ये धनिया पाउडर है 1 बड़ा चम्मच, ये हल्दी पाउडर है 1/2 छोटा चम्मच, ये कश्मीरी लाल मिर्च है 1 छोटा चम्मच, और ये नमक स्वाद अनुसार। सारे मसालों को मिक्स कर लूंगी। अच्छे से भून लूंगी सारे मसालों को। और अब मैं डालूंगी इसमें बारीक कटा हुआ 1 टमाटर, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और अब मैं डालूंगी इसमें 1/2 कप पानी, इसे अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ सब्जी, आप इसी तरीके से एक बार बनाइएगा और ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये आलू गोभी की सब्जी, एकदम सिंपल और झटपट बनने वाली। फिर मैं ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी स्लो आंच पे। 10 मिनट हो गया, सब्जी को चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी सब्जी बनकर तैयार है। तो मैंने सुखा दिया, देखिए कट करके वीडियो दिखाती हूँ। सब्जी हमारी पक गई है, मसालेदार सब्जी तैयार है। इसे आप चाहे नॉर्मल रोटी के साथ खाइए, पूरी के साथ खाइए, राइस के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी और यमी लगता है।
मैं फाइनली इसमें डालूंगी एक छोटा चम्मच गरम मसाला, इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। देखिए कितना टमटम लग रहा है ना सब्जी, हमारी सूखी सब्जी बनकर, आलू गोभी की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। फाइनली अब मैं लास्ट में डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी मिक्स कर दूंगी। अब इसी स्टेज पे मैं गैस को बंद कर दूंगी और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए आलू गोभी की सूखी सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी के साथ सर्व करिए, चावल के साथ सर्व करिए या पूरी के साथ सर्व करिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसी तरीके का बनाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये आलू गोभी की सब्जी। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।